मोईद, आपने माशाल्लाह हमने आपको ऑफर सुना, हम चाहेंगे कि आप देखने वाले आने भी सुनिए, कि इससे पहले आपका जो ये म्यूजिक का जर्नी है जरा हमें बताएं, कब से सिंगिंग कर रहे हैं आप? बेसिकली आई बिलोंग टू अ म्यूजिकल फैमिली. अच्छा. और बचपन से ही घर में म्यूजिक, और उसके बाद फिर स्कूल टाइम पे आई यूज टू कम्पीट कॉम्पिटिशन्स, एंड देन उसी कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ म्यूजिक जो है वो मेरा साथ चलता रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे साथ चल रहा है, और म्यूजिक ने बहुत ज़्यादा फायदे भी दिए हैं. बेशक. आई गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑन म्यूजिक बेसिस बिकॉज ऑफ म्यूजिक. अच्छा, मैं इन इदारों की बड़ा सराहता हूँ, ऐसी टैलेंट की बुनियाद पे स्कॉलरशिप्स देते हैं, बहुत अच्छे, हैट्स ऑफ, ये बहुत जरूरी है. और अब मैं यूसीपी में आजकल एनरोल्ड हूं, और वहां भी मैं टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूं. जबरदस्त. अच्छा. और आपका टोटली फ्री है, कोई फी नहीं है? तो ये बताएं वही, आपकी फैमिली में कौन सिंगिंग करता है? बेसिकली मेरे दादा जो थे वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, ए हमीद साहब नाम था उनका, उन्होंने पाकिस्तानी 63 फिल्म्स का म्यूजिक दिया हुआ. ओह लवली. ओके, सो वेरी वेल नोन. एनी फेमस सॉन्ग दैट ही हैज कंपोज्ड? उनकी एक बहुत मशहूर गजल है मेहदी हसन खान साहब की, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी. तो आपके दादा की जी, वाओ, जैसी अब है जान जी, तेरी महफिल कभी ऐसी तो नहीं. क्या बात है, क्या बात है भाई, फिर तो आपका बनता है. चले, अब हम एक फॉर्मेलिटी होती है, अपनी आवाज का तारुफ जरा आप कराएं लोगों से, कुछ सुनाएं हमें, ताकि पता चले कि आप बहुत ही अच्छा गाते हैं. हम आपको पहले बता रहे और सुन, हम तो सुन चुके हैं जी. मोई एक बड़े वेल नोन आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, नबील शौकत अली, उनका एक गाना है बेवजह, वन ऑफ माय फेवरेट. जरूर जरूर जरूर. उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह को क्यों है वजह बेवजह, दिल से कह बात रुक जा पागल, चल बड़ा करने ये वफा बेवजह, हिजरे ना सता बहुत अच्छे, बेवजह बन गया तू क्यों बजा बेवजह. Very sweet, यार, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह. आप तो बिल्कुल कॉम्पोजिशन मुझे लगता है जैसे जिसने बनाई है ना, बिल्कुल एक एक नोट ऐसा इतना अच्छा लाइव पे, यार बहुत जबरदस्त. वेरी वेरी वेरी. तो मुझे ये बताएं कि आपने गाने उन पे काम चल रहा है, कोई प्लान है कोई सिंगल रिलीज करने का? यस, आजकल मेरे दो इंशाल्लाह ओरिजिनल्स हैं जिन पे जो है वो ऑलरेडी काम चल रहा है, वो इन प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह इन अ मंथ और टू मंथ कोशिश तो है कि वो रिलीज होंगे. कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो आपको जिससे आप इंस्पायर होते हो, जो आपकी इंस्पिरेशन हो? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा वैसे ज्यादातर जो आते हैं उनकी इंस्पिरेशन हर कोई इंस्पिरेशन है, हर किसी को सुन के कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, लेकिन सजाद अली इज वन ऑफ माय फेवरेट. बेहतरीन. ये आपकी आवाज के अंदर ये देखे ना, ये म्यूजिक तो सच है ना, आर्ट जो है तो अच्छा लगता है, और उसमें रिस्पेक्ट अदब बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. तो मेरा दिल करता है कि आप सिर्फ गाते रहें और आप सुनते रहें, कि आप बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे हैं. कुछ और हमें सुनाइए आप. जरूर. तो अब फेवरेट आर्टिस्ट की बात हुई है सजाद अली साहब, तो उन्हीं को श्योर श्योर टू द लेजेंड. मुड़ दी गली दा कंडा इंज मैनू दिसदा, मुड़ दी गली दा कंडा इंज मैनू दिसदा, सामुक जाने जदों उस वेले आवेगा, किन्नी वारियां हलावा, नहीं कोई नहीं
कटना नहीं लंघना नहीं यादा तेरी यादे नाल दिन मेरा जेरा भी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं जे संग बेलिया कोई नहीं वाह 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 ते किसे नु सुनानी कोई नहीं अखां च दरिया खोल के क्या बात है मैं जख्म दी था ते रोड़ ला जे इथों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां मैं पानी विचों सान छोड़ लां रावी लंघ जावे वाओ 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 कैसा हो सकता है कि हम एक घंटा और ये शो करें और हम सुनते रहें सुनते रहें लकी योर फ्रेंड्स आर जो के वैसे घर का पीर जैसे कहते हैं ना हल्का होता है घर की मुर्गी दाल बराबर दोस्तों में इतनी कदर नहीं दोस्तों में कदर है कि बहुत अच्छा गाते हो सराउंडिंग में बहुत ज्यादा है चलो अच्छी बात है ये तो वरना नॉर्मली लोग कहते हैं अच्छा चलो आप बैठो गाने ही सुना दो ऐसे कहते हैं बहुत ज्यादा लोग बल्कि ऐसे कहते हैं जबरदस्त लाइव शोज किए परफॉर्म किया स्टेज के हां जी मैंने लाइव शोज किए हुए कुछ एक दो कॉन्सर्ट्स है वो भी उन पे भी परफॉर्म वगैरह किया हुआ है कहां पे लाहौर लाहौर में ही ठीक है तो अभी बाहर का एक्सपोजर ऑब्वियसली विद द टाइम क्या प्लान्स है क्या सोच रहे हो म्यूजिक को लेकर आगे म्यूजिक का बहुत ज्यादा दुनिया भर के अंदर तो स्कोप है लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा हालात ऐसे रहते हैं शोज वगैरह नहीं हो पाते कैसे सोचते हो आप पाकिस्तान में बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो म्यूजिक की लेगेसी को लेके चल रहे हैं बस वही चल रहे हैं कुछ नया टैलेंट जरा थोड़ा होता है बट प्रोफेशनली चैलेंजेस हैं मोहित आगे एक्सेल करने में मार्केट में आई थिंक सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बाहर तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेहनत करते हैं तो अल्लाह उसका फल ज़रूर देता है तो इंशाल्लाह मेहनत है अब और मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह इंशाल्लाह एक ना एक दिन रिवॉर्ड देगा एक तो मेहनत और म्यूजिक से मोहब्बत है इसके अलावा कोई दिल विल टूटने का भी एलिमेंट है मैं आर्टिस्ट से नए आर्टिस्ट से पूछता हूँ दर्द स्लो हल्के स्केल पे गाए जा रहे हैं आवाज निकल रही है नहीं नहीं ये मतलब बचपन से ही ऐसा है कि मतलब मुझे इस तरह का जरा थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक थोड़ा बचपन से दिल टूटा नहीं दिल तो बचपन से नहीं टूटा आगे लड़कों के टूटते जुड़ते रहते हैं लड़कों के आगे चलता रहता बिल्कुल ठीक है आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा बिल्कुल हमारा लास्ट मिनट चल रहा है हम चाहेंगे इन द एंड कुछ भी कहना चाहो सेगमेंट का लास्ट मिनट है हम हैं नहीं नहीं हम तो हैं इन द एंड कुछ कहना चाहे और एंड पे जाते जाते ब्रेक पर हम आपसे कुछ सुनेंगे भी जरूर जरूर इन द एंड में टू योर फॉलोअर्स टू द पीपल हु हैव जस्ट वॉच्ड यू मैं बस यही कहूंगा कि आर्टिस्ट सिर्फ गायकी से नहीं बनता आर्टिस्ट अपनी आजिज़ी से भी आर्टिस्ट बनता तो एक अच्छे गायक होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बने आप दिस इज अ मैसेज टू माय फॉलोअर्स अच्छा मोहित अभी हमारे पास लाइव शो में हमारे हेड ऑफ प्रोग्रामिंग की कॉल आई है और उन्होंने कहा है वजी कामरान वजी साहब ने कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपने अपने म्यूजिक को इसी तरह से परसू कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है एंड उनको बहुत मुश्किल से लोग पसंद आते हैं और ही इज़ वन ऑफ दोस्त जो बहुत जौक रखते हैं सो उनको अगर पसंद आया तो इट मीन्स के वाकई बहुत ज़बरदस्त आपकी आवाज़ तो बिल्कुल हमारा सेगमेंट खत्म हो रहा है तो आप आखिर में हमें कुछ और अच्छा सा सुनाइए फिर हम सेगमेंट के बाद मिलेंगे आपसे जरूर तो अब सजाद अली साहब चल रहे हैं तो आई थिंक वही चलते रहे जी जरूर वो बेहतर रहेगा रोने वालों से कहो उनका भी रोना रोले रोना रोले जिनको मजबूर ये जिनको मजबूर ये हालात ने रोने वरना क्या बात थी किस बात ने रोने न दिया
इश्क में गैरत जज्बात वाह ब्रिलियंट।